चौकाई का कमिश्नर साहब अपना एसीएस एजुकेशन डिपार्टमेंट निरंजन आर्य साहब और नवीन जैन साहब बनाया है लक्ष्मणगढ़ की शेखावाटी की शहीदा की धरती के ऊपर आप दोनों को बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। टीसी जैन साहब भी वर्षा से स्काउट को काम संभाल गया है आपको भी बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत अभिनंदन। कार्यक्रम का अध्यक्ष अपना प्रधान साहब नरेंद्र भाटर जी एसडीएम साहब जिला परिषद सदस्य भाई बनवारी ढाका जी तमाम जिला शिक्षा अधिकारी हमारे सरपंच प्रतिनिधि भाई विक्रम आप सभी पधारे हुए इधर जनप्रतिनिधि सरपंच साहिबान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नेतागण आदरणीय पंचायत के हमारे गुजर युवा साथी यहाँ माताएं मैंने बैठी हैं तमाम सुबह से आई हुई हैं 10 बजे से पहले आ गई थी हमारा विद्यालय के प्रिंसिपल और समस्त स्टाफ बच्चे स्काउट तमाम सबको साथ मीडिया के बंदूक सबको साथ लेते हुए मैं पुनः मंच के ऊपर विराजमान आर्य साहब का और नवीन जैन साहब का पीसी जैन साहब का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज आपने के लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान को दूसरो आवासीय विद्यालय जगह में प्रसिद्ध बच्चा कक्षा 6 से 8 में पिछहत्तर बच्चा को एडमिशन हो अरबा स्कूल चालू होगी इसके लिए थाने सब ने बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मौके के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूं कि मैं एक छोटो सो निवेदन कर रहा हूं साहब राजस्थान के मायने केवल जयपुर में एक आवासीय स्काउट विद्यालय है अरबी को परिणाम बहुत अच्छा है अरबी के मायने जितना बच्चा पढ़े आगे चार सेना के मायने अफसर बने अच्छा नागरिक बने और जगह भी क्षेत्र के मायने में जावे वह आपको नाम रोशन करे आपकी अलग पहचान बढ़ावे तो आप पहचान शेखावाटी के मायने भी बढ़नी चाहिए। शेखावाटी के किसान गरीब का बेटा भी सेना में चार अफसर बने और बहुत अच्छा नागरिक बने देश के मायने आपको नाम रोशन करे को विद्यालय महाराष्ट्र भी करो और मैं मुख्यमंत्री जी ने धन्यवाद देना चाहूं कि बजट के मायने घोषणा करी और रामकृष्ण जागीर साहब और हरलाल जी मेहला जी ने भी मैं बहुत बहुत ही मौके पर धन्यवाद देना चाहूं। आगे साहब अगर यह हॉस्टल और विद्यालय नहीं देता तो आप 12 महीना बाद में विद्यालय पढ़ने के बाद में ही शुरुआत होती दुनिया व्यक्तियों ने आपके पूरे परिवार ने आपके मित्रा ने भी धन्यवाद देना चाहूं एक अच्छी सोच के साथ में आप लोग हमारी मदद करी और वो आप लोग हॉस्टल आवासीय जो हॉस्टल सहित जो विद्यालय है वो चालू हुई हो ऐसे का नन्ना मुन्ना बच्चा बैठा है ना ए स्काउट को मतलब आप समझो कि स्काउट जो बच्चों स्काउटिंग में फर्स्ट क्लास या राष्ट्रपति में जो भी अंक है वो अगर कर ले में, तो वो ओरा से बहुत अलग है और सैनिक स्कूल में पढ़े लोग बच्चों और सैनिक स्कूल के मायने भी आम स्काउटिंग आवासीय विद्यालय के बच्चा सैनिक स्कूल में जावा को प्रतिशत है वो 80% जो है स्काउटिंग में 1 से 8 पढ़ लियो अगर वो सैनिक स्कूल में भी जाऊ उठावे तो फिर बहुत ज्यादा प्राथमिकता मिले और वो जा आगे साल सेना के मायने एक अधिकारी बन पूरे देश की सेवा कर सके आपको नाम रोशन कर सके एक से एक बटन विकास का काम करवा को आप सब लोग को दियो 3 बार विधायक पढ़ायो तो 3 बार विधायक पढ़ायो तो मेरे से जितनी चेष्टा हो सकी पता विकास का काम किया लेकिन मैं अध्यापक को बेटो हूँ मेरे पिताजी टीचर रहा और मैं शिक्षा के माहौल में ही हूँ मेरी धर्मपत्नी भी आई साहब टीचर है थर्ड ग्रेड की और मेरा बहन भाई मेरी बहन मेरे छोटे बहन भाई आई आई टी में प्रोफेसर मेरे पड़ोस में जहाँ मैं रहता हूँ
बाहर करने टीचर है और हर तीसरे घर में प्रिंसिपल है, क्योंकि राजस्थान की सरकार ने सेकेंडरी स्कूलों को सबको हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी कर दिया और इसलिए हर स्कूल हर घर में हर तीसरे घर में प्रिंसिपल जाम है। नवलगढ़ रोड पे रहता हूँ, वहाँ है। मैं समझता हूँ कि ऐसे वातावरण में मुझे राजस्थान के शिक्षा मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ, आगे भी कहता रहूंगा कि शिक्षा मंत्री एक शिक्षक के बेटे को बनाया तो मेरे मन में ये जज्बा रहा, मेरे मन में ये रहा कि मैं कैसे भी शिक्षा जगत में कैसे ठीक कर सकूं, कैसे हम नवाचार कर सके, कैसे हम विद्यालयों को और ज्यादा अच्छा वातावरण दे सके पढ़ने को, कैसे इनको आगे बढ़ने का मौका दे सके, ये प्रयास मैंने किए। और 3.5 साल में इंग्लिश स्कूल भी खोली, स्काउटिंग को आवासीय विद्यालय भी खोले हो, आपने केजी भी हॉस्टल की लक्ष्मण में पढ़ना तैयार हो गई है, अल्पसंख्यक छात्रावास भी पढ़ना तैयार हो गई है, और आवाज कैरिया दिया मंच से 635 कमरा आज तक में 615 बता दो, लेकिन मैं काल पशु पूरा गिनाया 635 कमरा राजस्थान के मायने केवल लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में है। और जब भी स्कूल चालू है वहां के मायने आइए साहब और जैन साहब, एक मिनट यह तो नहीं है कि बैठे की 5 साल के मायने क्यों क्यों नहीं हुए हुए, कोई न मरम्मत की आवश्यकता ही, कोई न शौचालय की आवश्यकता ही, कोई न कक्षा कक्ष की आवश्यकता ही, और 8 साल तक तो स्कूल नहीं बना दी। आप कभी जाओ लक्ष्मणगढ़ से सालासर तो चारजोन के मायने 4,19,00,000 रूपए की सीनियर सेकेंडरी स्कूल बन रही है, 4 करोड़ की। पाटोदा के मायने राजू पाटोदा जी हमारा मंडी का क्षेत्र है, एक स्कूल नहीं बना रहा है। लालाना में स्कूल बन रही है 4 करोड़ रूपया लाकर। बलारा के मायने हरिजन मेघवाल बस्ती के मायने 4 करोड़ रूपया से महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल को शिलान्यास हो चुके हैं, बन रही है। ऐसे का काम है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत जरूरी है। वो मन मौको मिले हो और मौको मिले के लिए 101 स्कूल करते मैं दो दो चार चार हर लिस्ट के मायने काट दो जाता हूँ। और मैं यहाँ करता हूँ, मेरे मन में है कि सगड़ी 36 स्कूल की कर्मोन्नति की आई, अब आज कल्ला जी आए, बाद में भी मन अपॉर्चुनिटी मिलेगी है कि मैं जितनी लिस्ट लिखकर भेजती हूँ कि लक्ष्मणगढ़ के मायने शिक्षा मंत्री की स्कूल कर्मोन्नत होनी चाहिए, तो कल्ला जी तीसरे चौथे दिन भी स्कूल ने कर्मोन्नत कर दे, विषय कर दे। काल परसों थाने मेरे होगो कि आपा नेचुए के मायने पंचायत हेडक्वार्टर है, सब पंचायत हेडक्वार्टर पहली मुख्यमंत्री जी से ले महू तहसील खुलवाई, फिर भी तहसील करवाई, फिर भी SDM हेडक्वार्टर करवायो, आज बैठे BCMO CPO उप जिला अस्पताल तमाम चीजा जी है। और भी के मायने जिनकी नेचवा की सेकेंडरी स्कूल बंद हो बाके कगार करी, फिर पहली सीनियर करी, फिर दिन आर्ट बोली, फिर दिन साइंस बोली, और काल परसों आपने पतों को बताते हुए मैं खुशी हुए कि जब तक विशेष सीनियर सेकेंडरी में हुए वह टोटल 1 साल एग्रीकल्चर कंप्यूटर जो थे वो सारी बोल दिए कि मेरे SDM मुख्यालय के ऊपर वहां पर हर विषय पढ़ने वाला बच्चा जाए तो उसके पढ़ने का लिए मौका मिलना चाहिए। ये सब तब हुआ जब आप सब लोगों ने आशीर्वाद देकर के 3 बार को यहाँ से विधायक बनाया, प्रधान बनाया, आज जो कुछ मैं हूँ वो आप सबकी मेहरबानी से हूँ, आप सबके कारण से हूँ। ये माताएं बहने जो बैठी हैं आगे साहब, ये गोविंद डोटासरा को अपना भाई अपना बेटा अपने परिवार का सदस्य मान करके उत्साह के रूप में जाकर के वोट देकर के राजस्थान की विधानसभा में हर बार हर 5 साल बाद में बढ़ा करके वोट देने का काम करती है। पहले 24 करोड़ से गोविंद डोटासरा को MLA बनाया, फिर 11,000 से बढ़ाया, अब की बार 22,500 से बढ़ाया, और अब इनको पूछ लेना अलग से ये कहेंगी पहले बार 42.5 से थे, अब की बार 45,000 वोटों से ये राजस्थान की विधानसभा में यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी को भेजने का काम करेंगे। ये सब इसलिए कि मैं
एक परिवार के रूप में इनको मानता हूँ और जो काम हो सकता है गोलियों को लेता और मिले तो मैं बताइए जितेंद्र साहब, आगे हरियाणा में मिले तो बताइए, राजस्थान में मिले तो बताइए कि 5 साल के मायने 5 साल में हर पंचायत में जाए तहसील का काम हुआ और सारे ग्राम पंचायत में जितना काम हुआ नगर पालिका में जितना काम हुआ। अगर यहाँ को पर्चों छापेड़ो कोई भी बीजेपी को नेता मिल जाए तो मैं नाम बता दियो, मैं भी इसे जाहिर जहाँ जहाँ मिल रहा आज तक 5 साल में सरकार वही बता पड़े जब ये करता काम किया, लेकिन आज सबके आशीर्वाद से आज सबके मेहरबानी के कारण से मैं आप कह सकूं कि ग्राम पंचायत पूरी बड़ी रहे 130 करोड़ 50 लाख रुपया का विकास का काम केवल एक ग्राम पंचायत में जबकि के मायने 12 करोड़ 70 लाख रुपए की सड़का है, 12 करोड़ 70 लाख रुपए की सड़का कृषि संकाय खोल दियो, पूरी के मायने मरम्मत का बिजनेस है मरम्मत कर दिया, 4 कमरा फूट रशीदपुरा कूड़ी में दे दिया, 4 कमरा अटेले दिया, 15 कमरा ग्राम पंचायत के मायने की स्कूल ही भगवान 15 से भी ज्यादा हो सके खिड़ो बार 15 कमरा और इंटरलोक 4 दीवारी सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में 45 लाख रुपए सिद्धेश्वर मंदिर में 45 लाख रुपए तू वही गर्व तो मुझे विक्रम मंदिरों में 38 लाख रुपए ये माता बहने बैठी हैं जो पूजा करती हैं, जबकि गांव में मंदिर मिले हो गुगा जी की मेड़ी मिली तो गुगा जी की मेड़ी, गोसाई जी को मंदिर मिले तो गोसाई जी को, माता जी को मिले तो माता जी को, भैरव जी को काश भरना है तो 25-30 लाख रुपया भैरव जी के और बालाजी को मिले तो बालाजी के। बीजेपी तो केवल नौटंकी करे धर्म के नाम की हिंदू धर्म के नाम की, राजस्थान के मायने 200 विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई गांव के मायने प्राइवेट मंदिर के मायने अगर 38 करोड़ रुपए लगे है तो वो लक्ष्मणगढ़ है और लक्ष्मणगढ़ की ये मजा सको कैंसर दे रहे तो आशीर्वाद दियो और मदद मेहरबानी करवा को काम करो, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी भाषण लेने की जरूरत तो नहीं है, आपके जे भी पूरी छोटी के मायने हो आज TSC की डिमांड यहाँ की मैं TSC की डिमांड भी पूरी करी और मैं आज कहना चाहूँ पूरी पंचायत आबाड़ा 6 महीना में सरकार बनता ही सबसे पहली लक्ष्मणगढ़ में नहीं सीकर जिले में अगर कोई PSC से CSC बनाएगी तो ग्राम पंचायत पूरी बड़ी नारा का बात के मेरी जल्दी भी आ सकता है कि माता बहना बैठी है ना आज पोती पोता बेटी आई डी वही सास रहा हूँ तो दो ही वहाँ के अगर थोड़ी बहुत भी शिफ्ट मिल जाए तो ऐसा ठीक न पावे, क्योंकि आपने तो भाई जी टेलीफोन करे हो विक्रम गाड़ी ले राजा सीकर चलाना मेरे पाए आठ मंदिर तुझे आगे बायम हुए चाहे तायम हुए चाहे पग में हुए चाहे गर्दन में हुए बेचारी बोम्बो करे की अगर सही मायने में सेवा है तो चिकित्सा और शिक्षा की सेवा है और बस सेवा अगर सबसे ज्यादा कोई हुई है तो लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आप सबका आशीर्वाद सब हुई है ये क्या मैं बना बताओ कहना है क्या एक दूसरा के कहना छापो छाप रही हूँ भाई जी एक क्या मैंने जब बार बार है तेरा हड्डी कोई हाथ में वो धुप्पो मारे थे क्योंकि निशान रखे वापिस आवे बेनरी ना जरा मैं कह मैं यार तेरी ठीक पूजा कर तेरे छापो मान जो है मैं यार छापो मान मान कर काम करा पैसे दिया नहीं तेरा सारों को सारों काम करा और ये आज सब तो आशीर्वाद है काफी टाइम को मैं एक ही बात कर उठा हूँ कि निरंजन आइए साहब का और मेरा बहुत पुराना रिश्ता है जब मैं राजनीति में आयो पहली बार मैं विधायक बने हो तो मैंने अच्छी तरह याद है निरंजन आर्य साहब CMO के मायने था, CMO के मायने बड़ा अफसर होना तो मतलब है मुख्यमंत्री जी का आंख कान नाक दाया बाया लेफ्ट राइट शुद्ध वही है, तो मैं आचार संहिता लागवा से जस्ट पहली गये हो एक दिन या दो दिन की आचार संहिता ही मैं क्यों आर्य साहब मुख्यमंत्री जी तो भरपूर चले गया हेलीकॉप्टर को मैं मिल कौन से गयो मेरे फिर डीवाई के श्री सुनील कुमार ने लगाना है मैं क्यों मैं
अशोक गहलोत जी के बोली गए हो, मैं निरंजन आर्य जी कर आयो हूँ। निरंजन आर्य जी कर बड़ा ताकत है, जब मेरे काम करने से निरंजन आर्य जी ने उसी वक्त फोन किया डीजी को कि मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हो गई, वो मैं डोटासरा का नाम टाइप करके आज जिस निकाल देगा वो निरंजन आर्य है। मैं एहसान को बदलो सुगा बड़ो आदमी हूँ साहब, मैं तेरी जिंदगी में भूलू को नहीं। एक एहसान आदमी की इज्जत रखने का एहसान होता है। इज्जत रखने का मतलब है बाकी बिल्कुल लगता नहीं लगता क्या फर्क पड़ता, लेकिन आपने बिना मुख्यमंत्री से पूछे मुख्यमंत्री का हवाला देते हुए वो भी डोटासरा को अप्लाई किया जो मैं चाहता था वो किया। पर ये मेरा 130 सालों काम हो, ये मेरा काम नहीं करता तो वो भी डोटासरा मेरे बनतो नहीं बनतो कोई तो। इसलिए मैं तो हर व्यक्ति के मायने जगह में पहले चुनाव के मायने आर्य साहब से वोट दिया, हर व्यक्ति के जन्म भी मैं देख दो आज भी मैं देखू तो मन लगे कि जब के दिन अगर वो आदमी इतना वोट नहीं दे तो तेरों को भी ना क्यों दो। एक दिन है रात में 1 बजे टेलीफोन आयो ऐसा 1 बजे टेलीफोन आयो जब मैं पहले 8 से 13 में मिले हो, बोले बिलाई थी जान लागे वो बोलो, बोले ना बोला बोली पहली बताओ जान लागे मको जाया बोली जाएगी जो थोड़ो सो गिरडो है ना ठीक है फिर ज्यादा बोली बस फिर राजी कर दे ऊंचाई से राजी हो गया मैं थाने नहीं जाने के लिए जरा बोले बताओ कौन हो मको रे जान को बोले बस आई कर बताओ मैं गोविंद आप रात में फोन उठावे अब बोले भे मारी मस्ती माँ फिर सो जाओ कहीं कोई जगह पड़ो आशीर्वाद देकर के 3 बार एमएलए और प्रधान। कई लोग राजनीति में व्यवसाय समझे सा मारे फिर समझे शेखावटी में यहाँ का कई लोग है जगह राजनीति में व्यापार समझे बीजेपी के मायने व्यापार जोरदार चल रहे जा बीजेपी कांग्रेस में 40 साल पहले जा कांग्रेस फिर होम सिलेंडर में चाल वाला हो जा सिलेंडर और फिर कांग्रेस में दिख तो लागे हो बीजेपी नमका दिए हो जा बीजेपी और बार उठा के बीजेपी जो है कांग्रेस बीजेपी जो है भाई ये खींचते तो रहो एक खींचते तो रहो खींचते लिया उसी लेकिन मैं ठीक नहीं है तो मैं माता बना लेकर उठाऊं बाकी मन में यहाँ हो रही है कि कमा लिया कि कर लिया कि यहाँ बड़ा आदमी बन गया वो भी टूटा सा तो पहले भी आपके चरणों की धूल था आज भी आपके चरणों की धूल है। मैं सेवा करने के जज्बे के साथ आया था, सेवा का आपने मौका दिया है आपकी सेवा करूंगा और राजस्थान के मायने 1825 करोड़ रुपया को प्रतिदिन को 1 करोड़ को हिसाब है और दोबारा पार्टी टीम देगी तो था के बीच पाओगा नहीं हिसाब के दूसरा आवेदना ने भी हिसाब पूछे आवेदना की पूछे भाई जी आप लोग मेरे लोग आइए बात बताओ मैं धनाई कहता कि भाई जी मारे भोगे पर की पार्टी है भोगे पर तो काम है एमपी लड़ सका एमएलए लड़ सका जिला परिषद लड़ सका पंचायत समिति भी लड़ सका वैसे वैसे भी लड़ सका निर्दलीय भी लड़ सका कांग्रेस से भी लड़ सका वो आई बिजली से भाई ब्यो बढ़े देखा देखोगे ना तो बिजली से आप देखोगे जैसे वो जब वो आदमी एक जगह ठीक नहीं रहे कि आदमी पर जिंदगी में कभी विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास दिन पर करो जब थाको पैदा करे लो थाके करने रहे थाके विकास के काम आटा आवे थाको मान सम्मान करे और थाके लिए विकास का काम ले रहा है। 1825 दिन हुए 5 साल के मायने 1825 करोड़ रुपया को हिसाब ले और कांग्रेस की टिकट मिलेगी तो गोविंद डोटासरा थाके बीच में आवे लो
फिर जानो ठाकुर काम जाने मन पार्टी ठाकी आशीर्वाद से तीन लाख जीपा के कारण से पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बना रखे है। पूरे राजस्थान में जानो पड़े दो काल में ब्यावर किया मुख्यमंत्री जी ने टूटू गया भीलवाड़ा गया आज नीमगढ़ थाना जानू हो तो मुख्यमंत्री जी ने बोलिया के रोटासरा जी थारो जिलो बनवाए तो है नीमगढ़ थाना सीकर संभाग बनाए तो है नीमगढ़ थाना चलना थाने चाल लो पड़सी नहीं जो नीमगढ़ थाना हो चाहे टूटू हो ब्यावर हो सापरा हो और कोई हो पहली लक्ष्मणगढ़ अभी के बाद में राजस्थान लक्ष्मणगढ़ का लोग अगर आशीर्वाद दे गोविंद डोटासरा ने मेरे नहीं बढ़ाता तीन बार लगातार नहीं जिताता तो वो नहीं तो अशोक गहलोत जी थे मैंने शिक्षा मंत्री बनाता और नए मन प्रदेश को अध्यक्ष बनाता गोविंद डोटासरा सब तो साची साची जाने है लक्ष्मणगढ़ है जहाँ गोविंद डोटासरा नेता है प्रदेश को भी है और देश को भी है पार्टी जल्दी सम्मान देवे जनमान बेरो है कि लक्ष्मणगढ़ के लोग ने सब ने आराम से रखे वहां का विकास का काम करे जनदार असेंबली जीता हुआ को काम हुआ है कि ये मैं तो थाने एक बात करूं चाहूं बाहर सरपंच जी गए हो कि साहब वो काम करो वो काम करो मैं एक ही बात थाने कहूं चाहूं कि बोलो समय नहीं है 20-25 दिन के बाद आचार संहिता लगे और आचार संहिता से पहले जब वो काम हो सके वो रुपए की कराना और ये जितना कागज मैंने दिया है ना कागजा ने मैं ठाके सामने मीडिया के सामने ये संकल्प लू कि आप एक जब तो पहली करूंगा नहीं दिसंबर के बाद में लाइसेंस रिन्यूअल कर दीजिए एक टप्पो दे दीजिए आगे 5 साल में एक ही काम बाकी बोली छोड़ दिए जैसे अगर माता बहना कोई काम करे आज पहले राजस्थान के मायने लक्ष्मणगढ़ पहलो विधानसभा क्षेत्र है जैन साहब जिसके मायने आजमा के बराबर महिला मात्र शक्ति आवे और आशीर्वाद के बने रोटी खानी है तो मोटारा गोविंद डोटासरा के साथ हो जाओ क्योंकि तू काम कर अगर काम कर वाले आदमी ने कभी नुकसान होगो तो जिंदगी में कभी दूसरो आदमी काम नहीं करे मार खान तो एक थाने भेर रहे जैन साहब थे दूसरे डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड की लिस्ट तैयार कर रहे हो शिक्षा मंत्री और सेकंड ग्रेड की लिस्ट करता करता मैं तैयार तो कर दी लेकिन 2-3 मंडला की तैयार होनी हुई डिविजना की तैयार होनी हुई डीडी की और मुख्यमंत्री की बैल लगाए और ट्रांसफर करता करता रहेगा तो मैंने मेरे स्टाफ कहते साहब आपने तो सुनी सुना खाली रही लोग कैसे अब कब खुले हो विधानसभा की कब खुले हो तो लोग बोले मैंने कि साहब आपने मास्क लगाओ सीक्रेट ग्रेड वाला मैं तैयार किया लगे मुख्यमंत्री की बैन लगा दी आपने कह रही हुई बोली राजस्थान की लिस्ट है एक साल में निकले तो वहां निकल कौन से गए एक लक्ष्मण किया करना जरा एहसास होगा बोले बात तो सही है लेकिन लोगों की उम्मीद ही मैं कर हिम्मत और मुख्यमंत्री जी का मेरा समझ बहुत बढ़िया मैं विश्वास कर लियो वो मुख्यमंत्री जी कहेगा तो आप हाथा जोड़ी कर लेगा 188 सेकंड ग्रेड के मार्क्स था कि एक लक्ष्मणगढ़ की लिस्ट काटी एक लक्ष्मणगढ़ की लिस्ट काटी कहते का उपेंद्र जी विनोद पूनिया जी शिक्षण कंडा बहुत है लेकिन मैं कंडा और क्या की ये कदर करूं कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चा के प्रति माँ बाप तो समर्पित नहीं रहे बच्चा है लोग बात समर्पित रहे और हमेशा सोचे कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या सुधार है आज भी मुख्यमंत्री जी से भी पूछा है पहली मिलिया भी है आपसे भी मिलिया है हमेशा क्या नवाचार कर पूछा जाए बेटा बेटी क्या बढ़िया पढ़ना चाहिए
है इन लोगों का किस तरीके से करे कि मैं हमेशा आपकी कदर करूं और मैं चाहूं कि आपको जो तो शिक्षा के क्षेत्र में सुझाव है वो तो सरकार भी ले, मुख्यमंत्री जी भी ले, ये भी ले और मैं भी लेवा के लिए आप लोग सिस्टम जो चल रहा है कि मैं बहुत बढ़िया शिक्षा के क्षेत्र में काम कर सके। एक मैं नवीन जैन साहब के बारे में एक बात बताना चाहूँ। नवीन जैन साहब अपना शिक्षा का सब बड़ा आज की तारीख में अधिकारी है, एसीएस है। आपको मेरे बहुत अच्छे रिश्तों रेडो है, बहुत अच्छे मधुर संबंध मारा रेडा है। और मैं एक बात माता बहना ने बताना चाहूँ कि पिछले 5 साल में जो बीजेपी की सरकार ही तो नवीन जैन साहब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मायने बड़ा अधिकारी है और जगह पूर्ण हत्या करे मशीन से डॉक्टर चेक करा, बेटी है तो गर्भ के मायने मार दियो, दीप विभाग के मायने काम करा और राजस्थान के मायने ऐतिहासिक काम करो और जगह यहाँ को गलत काम करता कोक के मायने मार के कोक के मायने बेटी बेटे को पतो लगाता बेटी की हत्या कर देता व लोगों ने जेल के सलाका में डालबा को काम करे हो तो जैन साहब है जिता आज शिक्षा विभाग के मायने काम करे। ये दोनों जगह अधिकारी है, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत अच्छा सोच का धनी है। यहाँ पूरे प्रदेश में लोगों को विकास हुआ है और मुख्यमंत्री की तो अपना तबाद कर दियो, मुख्यमंत्री जी संवाद मांगियो में संवाद दे दियो, आवासीय विद्यालय मांगियो आवासीय विद्यालय दे दियो, मैं लक्ष्मणगढ़ के मायने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मांग लियो जैन साहब और मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्मणगढ़ में जिला अस्पताल दे दिया जो किसी भी विधानसभा क्षेत्र में आपको जिला अस्पताल नहीं मिलेगा, जिले में मिलता है। हाँ तो मेरी चूक होगी कि मैं मुख्यमंत्री जी से जिलों को नहीं मांगियो, नहीं लक्ष्मणगढ़ जिलो हो जाते लक्ष्मणगढ़ जिलो हो जाते काय मुकाबलो करेगा आप लोग बताओ। मारे सब सेंटर को नहीं खोलेगा राम सिंह जी गुरु जी बाका सब सेंटर को नहीं खोलेगा जगह दिन मैं 2008 में पहले पड़े हो जगह दिन एक सीएचसी 5 डॉक्टर स्पीकर था लक्ष्मणगढ़ केवल शहर आज 8 सीएचसी है 8 सीएचसी और जगह दिन मैं पहले पड़े हो जगह दिन 8 पीएचसी केवल पूरे विधानसभा क्षेत्र में 8 पीएचसी आज 22 है 22 के मायने और मेरा सपना है कि आगे राजा जी गोविंद रुकाश्रम ने क्या आशीर्वाद दे जो ढंग से आगे इससे तो मैं गारंटी ले हूं आ वाला समय के मायने हर पंचायत के मायने पीएचसी बना जाएगा हर पंचायत में पीएचसी एक आगे को सोच होनी चाहिए आदमी आप करती हो तो बहुत बढ़िया बात है करती हो लेकिन आगे का ही करा आप दो कॉलेज खोली एक लक्ष्मणगढ़ में एक एनडीएचवा में मैं आगे सेक्रेटरी नॉमिनेशन पार्टी में टिकट लेके नॉमिनेशन करूंगा फिर मैं मेरे विजन पेश करूंगा कि मैं आगे आवारा 5 साल के मायने की काम करूंगा और फिर लक्ष्य में ले चलूंगा। आज ये काल में आपकी सेंशन आबादी है 300 करोड़ रुपए का फूड पार्क आइए साहब 300 करोड़ रुपए का फूड पार्क राजस्थान में पहला फूड पार्क होगा जो लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में होगा यहाँ लक्ष्मणगढ़ के पास में जमीन हमने आवंटित करा दी है वहाँ पर हमारे नौजवान जिनको पोहे जाने से रोक दिया मोदी जी ने हमारे नौजवान जो बेरोजगारी की चपेट में हैं उनको सबको वहाँ पर उद्योग धंधे लगाने के लिए जमीन देंगे किसानों को कृषि उपज मंडी बन रही है लक्ष्मणगढ़ में वहाँ 15 दिन के अंदर अंदर किसान भाइयों को छोटे व्यापारियों को दुकान आवंटित करके कृषि उपज मंडी चालू कर देंगे ये काम करने का अगर आशीर्वाद और जज्बा और हौसला किसी ने दिया तो लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के मेरे आदरणीय मतदाताओं ने दिया है इसलिए मैं अपने आप को यही रोकते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि इन लोगों ने आकर के यहाँ पर जो समारोह को शानदार और जानदार बनाया है एक बात और कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। निरंजन आर्य साहब कह रहा है कि गाइड आवासीय विद्यालय पहले राजस्थान में सीखावटी में होना चाहिए तो मैं
आपको कल की तारीख में लिख के दे दूंगा, आप तो मुख्यमंत्री जी को भेज दो, आवासीय विद्यालय के लिए, बच्चियों के लिए, गाइड के लिए जो संसाधन सुविधाएं होंगी हम भामाशाहों से उपलब्ध करा देंगे, आप तो आवासीय विद्यालय खुलवा दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो सीकर में खुले, वो पिपराली में खुले, वो कहीं श्रीमाधोपुर में खुले, चाहे वो लक्ष्मणगढ़ में खुले, जो सुविधाएं उपलब्ध कराए वहां पर हम खोल देंगे, आवासीय विद्यालय भी खोलेंगे और भी काम करेंगे। और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो डिमांड की है विद्यालय के प्रति, आपने डिमांड की है वो, और जो ट्यूबवेल टंकी की जो आपने मांग की है, शहीद स्मारक प्रतापपुरा के लिए जो चार दीवारी की आपने मांग की है, कमरे की मांग की है, खेल में ट्यूबवेल की मांग की है, स्ट्रीट लाइन की है, आपने सड़कों की है, आपने स्कूल में शौचालय बनाने की बात की है, उप स्वास्थ्य केंद्र पूरी बड़ी को, उप स्वास्थ्य केंद्र को नारायणा के पास में शिफ्ट करने की बात की है, पानी की टंकी ट्यूबवेल बनाने की बात की है। तो मैं एक ही बात करना चाहता हूँ कि ये ट्यूबवेल टंकी एमएलए कोटा चार दीवारी सही स्मारक, ये पैसे आप एस्टिमेट बढ़ा के सरपंच जी दे देना, जितना आप दे सकता हूँ मैं अभी दे दूंगा, और जो बड़ी सड़कें हैं वो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनय करूंगा। मेरी एक मुख्यमंत्री जी को 6 करोड़ की सड़क दी भी है, वो 6 करोड़ की सड़क आकर के फिर उसका टेंडर होगा तब तक आचार संहिता लग जाएगी, लेकिन जितने सड़कें आपने लिख करके दी है उन सारी सड़कों को भी आने वाले समय में बनाएंगे। और इस आवासीय विद्यालय के लिए एक बात जज साहब मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इसमें जो भी आपको आवश्यकता हो, मैं व्यक्तिगत रूप से, मेरा बच्चा और मेरे चाचा जी ट्रस्ट चला रहे हैं मेरे पिताजी की स्मृति में टोटासरा चैरिटेबल ट्रस्ट से, या ये मेरे जनप्रतिनिधि भामाशाह सारे बैठे इनके सहयोग से, जो भी आपको उपलब्ध होगा 6 करोड़ 75 लाख भवन की सरकार के लिए, बाकी आपको जहाँ भी महसूस हो आप लिस्ट दे देना, 3 दिन के अंदर इन बच्चों को किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। जब हम लेकर के आए इन बच्चों को तो इनके ड्रेस की दिक्कत भी नहीं हो, इनके खाने के बर्तन की दिक्कत भी नहीं हो, इनके गद्दों की दिक्कत भी नहीं हो, इनको बेड की दिक्कत भी नहीं हो, आपको जो सरकार से हो सकता आपके ध्यान में है, और सरकार के अलावा आपको जो चाहिए गवर्नमेंट प्रोटासरा को एक व्हाट्सएप कर देना, वो आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। क्योंकि हम जब आए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में एक बात जो आगे सामने गई है कि आने वाले समय में हर जगह स्काउट आवासीय और गाइड आवासीय विद्यालय होने चाहिए, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ मेरे मुख्यमंत्री जी से और मेरी पार्टी आलाकमान से बात करके, और जब आने वाला हमारा जो जन घोषणा पत्र होगा आपसे भी नवीन जैन साहब राय कर लेंगे, जो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा हो सकता है उसकी घोषणा हमारे जन घोषणा पत्र में करेंगे, और आपके आशीर्वाद से उसको पूरा करने का काम करेंगे। अब माता बहना ने एक ही बात कर ऊंचाऊ, डाबरा के पटवा में कोई दिक्कत आवे मन बता दीजिए, टेलीफोन कर दीजिए, पूरी करांगा पानी की और की एक ही को आयुर्वेद जो औषधालय है, ठीक है, भवन में किसान की बात है, फाइनेंस में गारंटी है कि निश्चित रहो, चुनाव के आचार संहिता से पहले पहले 25 लाख रुपया थका है, तब ये भवन का मैं लाऊंगा। अब आप कह कर मैं मेरी बात समाप्त करना चाहूँ, उन्हें मैं आर्य साहब को, जैन साहब को, किसी जैन साहब को, रमेश जैन साहब को, आप सब लोगों को आभार प्रकट करना चाहूँ, और आप सब लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँ कि यूनि आशीर्वाद बनाए रखना, ये विकास का कार्य चलता रहेगा, आने वाले आएंगे, जाने वाले जाएंगे, गोविंद डोटासरा आपके बीच में रह करके आपकी सेवा करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय।